हिकिको मोरी। जी हाँ, हिकिको मोरी। आज की डेट में जापान में करीब 5 लाख लोग इस हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। यह बीमारी खास करके यंग लोगों को होती है, जिनकी एज 16 से 40, 16 से 40 के बीच है। और अब यह वायरस की तरह दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया, अमेरिका और फ्रांस में भी फैल रही है। हिकिकोमोरी एक वो मेंटल बीमारी है जिसमें इंसान खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और बाहरी दुनिया से सारे रिश्ते नाते कट कर देता है। वो खुद को फिजिकल वर्ल्ड से अलग कर लेता है और उसे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया ही असली दुनिया है। एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, कंप्यूटर गेमिंग उसको आउटसाइड वर्ल्ड से दूर कर देती हैं और वो ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम करने लगता है। इसको अच्छे से समझने के लिए और सॉल्यूशन जानने के लिए हमें एक छोटी सी स्टोरी देखनी होगी, कायतो नाम के एक यंग लड़के की। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इन द नेम ऑफ गॉड, क्या तुम आसुका को अपनी वाइफ मानते हो? कायतो, यस फादर, मैं मानता हूँ। क्या तुम कायतो को अपना हस्बैंड मानती हो? आसुका, यस फादर, आई डू। मम्मा, मम्मा। अचानक से एक 7 साल का बच्चा भागते हुए आसुका के पास आता है। बच्चा? एक बच्चा, वो भी शादी से पहले? चलिए पता करते हैं कैसे। कायतो टोक्यो में एक 27 ईयर यंग गेमिंग प्रोग्रामर था। फॉरेन कंपनी में काम करने के कारण वो लेट नाइट काम करता था, रात को 9 से सुबह 7 बजे तक। वो एक नाइट आउल बन चुका था। रात को काम करना और दिन में सोने के कारण वो ज्यादातर टाइम अपने रूम में अकेले ही बिताता था। वर्क फ्रॉम होम करने में उसे बड़ा मजा आता था। दिन ब दिन उसने पार्टीज में जाना और फैमिली से मिलना कम कर दिया था। गेमिंग प्रोग्रामर होने के कारण उसे गेम्स खेलने की लत सी लग गई थी और टाइम पास के लिए वो टीवी देखता और जो सामान उसे लगता वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता। जाने अनजाने में वो खुद को एक्सटर्नल वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से अलग थलग कर रहा था। धीरे धीरे 3 साल के टाइम पीरियड में उसने खुद को टोटली कट ऑफ कर दिया था आउटसाइड वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से। उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। उसकी सोचने की शक्ति कम हो रही थी। खुद को क्रिटिसाइज करना, गुस्सा आना, जोर से रोना, हाई ब्लड प्रेशर और न जाने क्या क्या। वो अकेलेपन की इस खामोशी में डूबता जा रहा था। स्माइल करना तो वो जैसे भूल ही गया था। कायतो ने इन सब से बचने की कोशिश की, खुद को एंटरटेन करके टीवी देखी, खुश होने के लिए गेम्स खेले, स्मार्टफोन चलाया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये चीजें उसकी बीमारी को और बढ़ा रही हैं। वो बाहरी दुनिया से डरने लगा था और उसने अपने आप को एक रूम में पूरी तरह से बंद कर लिया। कायतो हिकिकोमोरी के जाल में फंस चुका था। जी हाँ, वो अकेलेपन के इस अंधेरे में खो चुका था। इस बीमारी होने के कारण है ओवर स्ट्रेस ऑफ वर्क, लोगों से एप्रिसिएशन ना मिलना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की शॉर्टेज होना, खराब टाइम मैनेजमेंट और खास करके वर्क फ्रॉम होम करना, जो कि आजकल की जनरेशन प्रेफर करती है। दूसरी ओर आसुका एक 40 ईयर ओल्ड ट्रॉमा थेरेपिस्ट थी। उसको करीब 3 साल का एक्सपीरियंस था। पिछले 2.5 सालों से कायतो उसका पेशेंट था। आसुका का मिशन था कायतो को असली दुनिया में वापस लाना। उसने पहले कायतो से बात करने की कोशिश की, लेकिन कायतो किसी से बात नहीं करता था। फिर आसुका ने उसके रूम के बाहर बैठकर उसे चिट्ठियां लिखी। धीरे धीरे कायतो आसुका की बातें समझने लगा और उसे अपने रूम में आने दिया। आसुका ने उसे एक दोस्त बनकर उसकी हेल्प की और वो लोग ढेर सारी बातें करने लगे। हाँ, लेकिन आसुका को एक 7 साल का बेटा भी था और उसका हस्बैंड 3 साल पहले इसी हिकिकोमोरी नाम की बीमारी से लड़ते हुए उसकी डेथ हो गई थी। इस कारण से आसुका एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट बनी। वो किसी और को इस मेंटल बीमारी में उलझा हुआ नहीं देखना चाहती थी। धीरे धीरे कायतो और आसुका फेल इन लव, उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। इतना एज डिफरेंस होने के बाद भी उन्होंने शादी कर ली। तो इस स्टोरी से क्या सीखते हैं हम? प्यार दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होता है। लव कैन विन वॉर्स।
एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, इमोशंस को समझना लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आसुका के प्यार ने कायतो को एक नई जिंदगी दी। और कायतो से क्या सीखते हैं हम? किसी भी टाइप का स्ट्रेस खराब होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ज्यादा काम करना गलत है। अपने बच्चों को कभी भी इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। नंबर वन बनने की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। किसी से कंपटीशन मत करो। किसी भी तरह की आदत आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। मॉरल सपोर्ट इज द की टू ग्रोथ। और खास करके वर्क फ्रॉम होम जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखो। अब आप जान चुके हैं कि हिकिकोमोरी क्या होता है और उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो अब आप घर पे ज्यादा टाइम मत बिताओ। अकेलेपन से, लोनलीनेस से दूर रहो। घूमो फिरो, पार्टीज करो, बाहर निकलो और लोगों से बातें करो। और बातें करते समय यह गलती कभी मत करना।